बिग बॉस 13 के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट विकास फाटक को हाल फिलहाल मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में क्या वजह रही है, किस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, विकास फाटक जो कि हिंदुस्तानी भाव के नाम से जाने जाते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, साथ ही बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के यू नो एंट्री ली थी उन्होंने, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस 13 में उन्होंने एंट्री ली थी। वेल, हाल फिलहाल उन्हें जो है मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में वजह क्या रही है? दरअसल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनकी जो वीडियोस है वो काफी ज्यादा वायरल होती है, पसंद की जाती है और चर्चा का विषय भी बन जाती है। हाल फिलहाल उन्होंने 10th और 12th के स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाया था, जिसके चलते जो है उन्हें मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हाल फिलहाल मैं आपको ये चीज बता दूं कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जहां पर उन्होंने जो है 10th और 12th को ऑफलाइन एग्जाम्स के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने को कहा था और कहा था कि ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं देना चाहिए। अब इसको लेकर जो है 10th और 12th के बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया मुंबई पुलिस द्वारा। वेल, ये पहली बार नहीं है जब वो उन्होंने सुर्खियां बटोरी है अपने वीडियोस के थ्रू, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिसके चलते वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन हाल तो उन्हें जो कि मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इस वजह से कि उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करने के लिए बच्चों को उकसाया था और ऑफलाइन एग्जाम्स के खिलाफ जो है बच्चों को भड़काया था और कहा था कि ऑनलाइन एग्जाम्स प्रेफर करना चाहिए। देखना ये होगा कि हिंदुस्तानी भाव कब रिहा होते हैं। हाल फिलहाल तो हिंदुस्तानी भाव जो है वो पुलिस की गिरफ्तारी में है, लेकिन देखना होगा कि कब उन्हें रिहा मिलती है। वेल, आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इन तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।